नमस्कार दोस्तों, आपने केदारनाथ का नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसा मंदिर जहाँ पे अपने जीवन काल में हर एक सनातनी एक बार जाने की जरूर सोचता है। वहाँ जा करके दर्शन करना, उसके बाद फोटो लेना, मेमोरी के तौर पे सब लोग अपने एक फोटो, दो फोटो या फिर वीडियो वगैरह बना के चले आते हैं। लेकिन खबर आ रही है कि केदारनाथ परिसर में अब मोबाइल फोन्स, कैमरास, ये सब चीज़ें बैन कर दिए जाएंगे। रीज़न क्या है, क्यों बैन किया जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, मुझे लाइक्स भी नहीं चाहिए इस वीडियो पे, परंतु मुझे आपसे ये विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त के पास, मित्र के पास, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों, आप फेसबुक चलाते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप यूट्यूब चलाते हैं और आप वहाँ पे हर तरह की वीडियो देखते हैं, अच्छे से अच्छी वीडियो और बुरे से बुरी वीडियो आप वहाँ पे देखते हैं। होता यह है कि कुछ लोग लाइक्स, शेयर, फॉलोअर बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके की वीडियो बनाते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप कुछ लोगों ने केदारनाथ धाम में भी जा करके वहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसके वजह से श्रद्धालु बहुत ही नाखुश हैं। वहाँ पे एक महिला के द्वारा असभ्य तरीके से पैसे उड़ाना, उसका वीडियो बनाना, हमारे शिव जी के ऊपर पैसों की नोटों की गड्डी उछालना इतने गंदे तरीके से, और उसके बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर करने से हमारे जो भी सनातनी श्रद्धालु हैं उनकी भावनाएं बहुत ही आहत हुई हैं। दोस्तों, ये महिला मंदिर के गर्भगृह में जा कर के महादेव जी के ऊपर नोटों की बारिश कर रही है। और सोचने वाली बात यह है कि उसमें लगभग बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं, पुजारी भी रहते हैं और मंदिर के कर्मचारी भी रहते हैं वहाँ पे। उसके बावजूद भी ये महिला इस तरीके से पैसे उड़ाती है और वीडियो भी बना लिया जाता है। जहाँ तक मुझे पता है कि मंदिर के गर्भगृह में मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, और अगर आप फ़ोन लेके जाते हैं तो आपको वहाँ पे कोई भी वीडियोग्राफी, कोई भी फ़ोटो शूटिंग अलाउड नहीं है। उसके लिए आपको सज़ा भी हो सकती है या फिर आपका फ़ोन या कैमरा जब्त भी किया जा सकता है। परंतु मंदिर के पुजारियों, कर्मचारियों की उपस्थिति के पश्चात भी ये कृत्य कैसे घटित हुआ, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, अगली वीडियो जो है वो दो कपल्स जो केदारनाथ जी के आगे मंदिर के सामने जा कर के एक लड़की एक अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करती है। दोनों जो है कि पीले वस्त्र पहने हुए होते हैं मंदिर के सामने प्रपोज करके, और वहाँ पे सगाई वाली अंगूठी पहना करके एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये भी वीडियो बहुत वायरल हुआ है जिसके वजह से श्रद्धालु प्रसन्न नहीं है और अपनी नाराजगी जताई है। इसके खिलाफ एक नोटिस मंदिर परिसर के द्वारा जारी किया गया है। जो अगली वीडियो है वो इन दो नचनियों के द्वारा केदारनाथ जी के स्थान पर जा करके इस तरह का असभ्य वीडियो बनाकर और YouTube, Instagram, Facebook पे डालना, ये अशोभनीय था। मेरे हिसाब से इन दोनों के खिलाफ बहुत ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों को समझ में आना चाहिए कि कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान पे किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए। मैं कभी भी सोशल मीडिया और Facebook, WhatsApp जो भी है उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि जो आप वीडियो बना रहे हैं, जिस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, उसके हिसाब से वो स्थान पर्याप्त है या नहीं है। आप देखेंगे कि आए दिन अत्यधिक संख्या में घोड़े, खच्चर बीमार हो जा रहे हैं।
किसी का पैर टूट जाता है, कोई घोड़ा गिर जाता है, बेहोश हो जाते हैं, मर जाते हैं। देखिए ये 100-100 किलो के गधे और गधियाँ इन खच्चरों पर चढ़ के मंदिर पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये जो खच्चर की सुविधा है, डोली की सुविधा है, ये उन लोगों के लिए बनाया जाता है, मतलब उन लोगों के लिए रखा गया है जो चलने में सक्षम नहीं है। जैसे कि बच्चे आ जाएंगे, हमारे वृद्ध लोग हैं, उनको लाया जाएगा। लेकिन आप इन नौजवानों को देखिए, एक रील्स बनाने के लिए खुद ना चल के ये खच्चरों पे चल के जाते हैं। अगर जाना है तो ये खुद जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।